विकासखंड भटट में संचालित धान क्रय केंद्रों का सोमवार को एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी धान क्रय केंद्रों को समय से शुरू करना है और क्रय केंद्र पर जो आवश्यक सुविधाएं किसानों को मिलती हैं उसका सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि विपणन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति को चेक किया गया है, स्थिति संतोषजनक पाई गई है। एसडीएम सदर ने बताया कि नवम्बर के पहले सप्ताह से किसान अपने धानों को बिक्री करने क्रय केंद्रों पर आते हैं, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि किसानों की किसी भी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाए, उनको किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, तो इसीलिए सर इस प्रक्रिया से हो जाता है। जो खराब धान होते हैं सर, पानी में डालने से पूरे ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छे धान होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। उससे एक ये एक किलो धान में ही क्लियर हो जाता है कि बहुत ज़्यादा है कम है, सिंपल के रूप में एक किलो धान लाते हैं। अच्छा सर, उसी से चेक हो जाता है। तो उससे क्या, जैसे मान लो किसी का धान खराब है तो सर क्या हम लेंगे? नहीं सर, उसको लेंगे लेकिन उसकी क्वालिटी सर ज़्यादा खराब होगी तो मिलर हमारा काम नहीं कर पाएगा सर। अच्छा सर, क्योंकि 67% चावल चाहिए हमको सर, अमूमन जो भी वैरायटी के धान हैं सर 65+ नहीं हो पाते हैं चावल। तो अगर हम खराब धान सर खरीद लेंगे तो मिलर मर जाएगा, उसमें कोई संसाधन नहीं मिलता। वो मैं समझ गया, लेकिन जैसे सर आपके द्वारा धान क्रय केंद्र आज हमने दो भटट में और उनका निरीक्षण किया गया। शासन के दिशा निर्देशानुसार सभी धान क्रय केंद्र को नए सीजन के लिए स्टार्ट हो जाना है, तो जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं जो किसानों को हमारे किसान भाइयों को दी जाती हैं उसका सत्यापन करना, क्रय केंद्र पर किसी को किसी किसान भाई को कोई परेशानी ना हो, और जो विपणन विभाग है उसके समस्त कर्मचारी और अधिकारी अपने काम में लग गए हैं या नहीं लगे, कोई कमी रह तो नहीं गई है, तो इसी का निरीक्षण करने हम गए थे और हमने भटट का निरीक्षण किया। सारी सुविधाएं वहाँ ठीक पाई गई, संतोषजनक पाई गई। हमने निरीक्षण भी किया और आने वाले, क्योंकि जनरली बताते हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक से धान किसान भाई लेके आते हैं, तो इसी के लिए बाबत जो भी आवश्यक तैयारियाँ होती हैं उसके लिए संबंधित को दिशा निर्देश दिए गए। निर्बाध रूप से, अविवाद रूप से इसको धान क्रय की जो प्रक्रिया है उसको चलाएँ और किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, यही सुनिश्चित करने के लिए हम गए थे।